दोस्तों ये जो हेयर ड्रायर है, इस हेयर ड्रायर में जो प्रॉब्लम है वो है दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। ये डायरेक्ट हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो फर्स्ट मोड है ये वर्क नहीं कर रहा है, और जो सेकंड मोड है सेकंड मोड पर ये वर्क करने लगती है। और बाकी इसका जो हीटर है, हीटर भी अच्छे से वर्क कर रहा है, और इसका ये वाला जो बटन है ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसको कैसे रिपेयर कर पाएंगे और इसमें क्या फॉल्ट है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले इसे ओपन कर लेता हूं मैं। ओपन करने के लिए इसमें पीछे दो स्क्रू दिए हुए हैं, तो इनको ओपन कर लेना है पहले हमें, इनको साइड में रखते हैं। और अब इसका जो बैक कवर है इसको ओपन कर लेते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर इसको मैंने ओपन कर लिया है, इस हेयर ड्रायर को, और आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ पहले। तो ये जो हेयर ड्रायर है दोस्तों, इसका जो डायोड है ये यहाँ से जल गया है पूरा, ये आप देख सकते हैं। पूरा ही दोस्तों जो डायोड है वो पूरा शॉर्ट हो चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो स्विच है, स्विच भी हम चेक करेंगे कि स्विच तो ख़राब नहीं हो गया है। तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो जो हीटर का स्विच है दोस्तों ये तो वर्क कर रहा है काफ़ी ठीक तरीके से। इसका ये वाला जो स्विच है ये दोस्तों वर्क नहीं कर रहा था। तो पहले इस स्विच को चेक करेंगे हम, इसके बाद ये जो डायोड है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से दोस्तों जल चुका है ये, और जलने के बाद आप देख सकते हैं ये टूट ही गया है। तो इस डायोड को भी हमें चेंज करना होगा पहले। और दोस्तों इसका ये जो स्विच है इसको हम सीरीज से चेक करेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसको आप मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर सीरीज से इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि क्लियर पता चल पाएगा कि कहीं से स्पार्क तो नहीं कर रहा है, इसलिए हम सीरीज से चेक करेंगे। तो फिलहाल अभी जो स्विच है वो बंद है, तो आप देख सकते हैं बंद में यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं बताएगा। और अब मैं स्विच को फर्स्ट वाले मोड पर ऑन कर लेता हूँ, ये मैंने ऑन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये दिखा रहा है यहाँ पर। और अब चलिए इसका जो सेकंड मोड है इस पर ऑन कर लिया है मैंने स्विच को, तो सेकंड वाला जो मोड है ये भी दोस्तों यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो स्पीड कंट्रोलर की जो प्रॉब्लम है वो स्विच से नहीं आ रही है, और जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि इसमें एक डायोड लगा होता है जो कि जल गया है, और वो डायोड कौन से नंबर का है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस नंबर का डायोड आपको लगाना है इसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों IN5399, ये डायोड है, ये आपको लगाना है। और ये किस टाइप से लगाना है ये आप देख लीजिए, ये जो सिल्वर पट्टी है ये दोस्तों हमें इस खाली वाले पॉइंट पर लगाना है, और ये जो ब्लैक वाली पट्टी है इसको दोस्तों ये जो आर्मेचर का जो वायर आया है और हीटर का वायर आया है ये इस वाले पॉइंट पर हमें इस टाइप से सोल्डरिंग करना है। तो इस टाइप से ये डायोड दोस्तों लगाना है हमें, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप कंफ्यूज ना हो। ये दोस्तों इस टाइप से जो डायोड है ये लग जाएगा, सिल्वर पट्टी हमें इस खाली वाले पॉइंट पर लगाना है, और ब्लैक साइड की जो पट्टी है ये हमें इन दोनों वायर पर सोल्डरिंग करना है। तो चलिए इसको पहले लगा के और इसकी जो स्पीड है वो हम चेक कर लेते हैं, स्पीड वर्क कर रही है या नहीं इस डायोड को चेंज करने के बाद, या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे इस वीडियो को पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले इसका ये वायर डिसोल्ड कर लेते हैं हम, क्योंकि तभी जो वायर है वो सोल्डरिंग हम कर पाएंगे। और यहाँ से भी कर लेना है हमें डिसोल्ड। दोस्तों इस टाइप से हमें इसे लगा लेना है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर।
तो पहले इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ मैं। और अब ये वाले जो वायर हैं ये हम इसी पर सोल्डरिंग करेंगे जो कि पहले यहाँ पर लगे हुए थे, आप देख पा रहे होंगे, ठीक से देख लीजिए आप। अब यहाँ से इसके जो वायर हैं ये कट कर लेते हैं हम पहले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायोड है ये हमने सोल्डरिंग कर लिया है। अब दोस्तों इसकी जो स्पीड है इसको कंट्रोल करके देख लेते हैं हम कि कंट्रोल होती है या नहीं। तो पहले मैं जो वायर है सीरीज बोर्ड का वो लगा लेता हूँ और अभी हम इसको सीरीज में ही टेस्ट कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली यहाँ पर टेस्ट करके देखेंगे। सीरीज जल रहा है और अब तेज़ जल रहा है। अभी जो फ़ैन है वो नहीं घूमेगा क्योंकि जो वायर है वो मैंने सीरीज़ में लगाया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट लगा के चेक कराऊंगा। पहले इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं हम, इसके बाद मैं आपको इसकी डायरेक्ट टेस्टिंग दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सीरीज से टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है, यदि कोई शॉर्टिंग वगैरह होती है तो वो सीरीज से पता चल जाती है, वरना डायरेक्ट में हमारी जो लाइट है वो भी ख़राब हो सकती है, इसलिए हम कोई काम बिना सीरीज़ के नहीं करते, क्योंकि सेफ्टी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप भी कोई काम करें तो सीरीज़ से ही चेक करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, बिना सीरीज़ के आप कभी भी कोई काम ना करें इस टाइप का, क्योंकि जो डायोड होते हैं वो भी कभी कभी शॉर्ट होकर जो लाइट है वो ख़राब कर देते हैं। दोस्तों जो डायोड है इसके कनेक्शन आप एक बार और फिर से देख लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों ये जो सिल्वर पट्टी है ये हमने खाली वाले पॉइंट पर लगाई है, और जो ब्लैक वाली पट्टी है ये जो दो वायर आए हुए हैं आर्मेचर और हीटर के साथ वाले, ये हमने यहाँ पर लगाई है। और जो डायोड का नंबर है वो है 5399IN5399 वाला डायोड हमने इसमें लगाया हुआ है। और चलिए अब इसका जो कैप है ये मैं बंद कर लेता हूँ, और अब इसके जो स्क्रूप्स हैं वो फिट कर लेते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर जो हेयर ड्रायर है इसकी फिटिंग हो गई है पूरी कंप्लीट, और चलिए अब इसकी जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं, स्पीड को भी टेस्ट कर लेते हैं कि अब कम ज़्यादा हो रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट मोड है, अब इस पर मैं ऑन कर लेता हूँ इसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हेयर ड्रायर है वो वर्क कर रही है, या आप सुन सकते हैं आवाज़ इसकी। अब चलिए इसका जो सेकंड मोड है इस पर बटन को ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो दोनों मोड है वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं हेयर ड्रायर के। और यहाँ पर दोस्तों ये वाली जो बटन थी ये वर्क नहीं कर रही थी, चलिए अब इसको भी दबा के देख लेते हैं। तो अब ये भी वर्क करने लगी है। तो इस तरह से दोस्तों जो हेयर ड्रायर थी ये हमने रिपेयर कर ली है। अब इस हेयर ड्रायर में जो स्पीड कंट्रोलिंग की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, अब काफ़ी अच्छे से ये जो हेयर ड्रायर है ये वर्क कर रही है। यदि आपके हेयर ड्रायर की भी कभी स्पीड कम ज़्यादा ना हो तो आप इस तरह से इसे रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें जो डायोड है वही ख़राब हो जाता है मोस्टली, और इसके बाद ये जो स्विच है इसमें प्रॉब्लम आती है। स्विच हमारा ठीक था, जो प्रॉब्लम थी वो डायोड की थी। तो अब जो हेयर ड्रायर है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड टेक केयर।